80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे आज से सिर्फ 43 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं और इतने कम दिनों में ही दिल्ली एमसीडी की हार के बाद अब गुजरात की हार भी उनके स्कोर कार्ड में शामिल हो गई है। उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उसको बधाई देंगे और जो आगे करना है और हम लड़ते रहेंगे। भाई ये डेमोक्रेसी में एक दिन की हार जीत परमानेंट नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में हार जीत तो होती है लेकिन अपने उसूल तो हम नहीं छोड़ने वाले ना। ये तो आइडियोलॉजिकल फाइट है हमारी, इसमें हार जीत तो होती है और हम देखेंगे फिर उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, जहाँ कुछ कमियां हैं उसको भी ठीक करेंगे और लड़ते रहेंगे। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए। गुजरात में कांग्रेस ने महंगाई, किसान, बेरोजगार, पेपर फूटने वाले कई मुद्दों पे आवाज उठाई और चुनाव लड़ा। गुजरात के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने का मैंडेट दिया है और पब्लिक जब मैंडेट देती है तब वही सही होता है। मैं आशा और विश्वास रखूंगा कि आने वाली सरकार इन मुद्दों पे काम करे और खरी उतरने का प्रयत्न करे। कांग्रेस की जो सहनशीलता है और कांग्रेस की जो पेशेंस है उसकी दाद देनी पड़ेगी। वो पिछले 25-30 साल से बस इंतजार ही करती जा रही है कि हमारा समय बदलेगा, हमारा वक्त बदलेगा, बैठे बैठे ही किस्मत कोई ऐसा चमत्कार कर देगी कि वो दोबारा से जीतना शुरू हो जाएंगे। इस बात में उनकी तारीफ करनी चाहिए, ये तो एक मजाक की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है जिसमें वाकई कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, वो ये है कि कांग्रेस आज भी चाहे हार जाए, चाहे कितनी कम सीटें हो जाएं, लेकिन कांग्रेस आज भी आइडियोलॉजी की बात करती है, विचारधारा की बात करती है और वो कहती है कि मैं, हमारा जो विचारधारा है चाहे हम हार जाएं लेकिन हम उससे समझौता नहीं करेंगे। देश के लोगों को इस चीज का सम्मान जरूर करना चाहिए क्योंकि आज अगर आप देखेंगे अपने चारों तरफ तो आपको विचारधारा वाली पार्टियां बहुत ही कम मिलेंगी और बिना विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। इसलिए हमारे दर्शकों को और देश के वोटर्स को विचारधारा का जरूर सम्मान करना चाहिए, चाहे आप उससे सहमत हो या ना हो। लेकिन अगर एक पार्टी या एक नेता आपको ये बताता है कि मेरी एक विचारधारा है तो वह कम से कम आपको धोखा नहीं दे रहा, वो आपको अपने विचारों के बारे में खुलकर बता रहा है और विचारधारा कपड़ों की तरह बदलनी नहीं चाहिए। गुजरात में बीजेपी को जो प्रचंड बहुमत मिला उसने एक बात स्पष्ट कर दी है कि बीजेपी सत्ता में आती है लेकिन विपक्षी पार्टियों की समझ में नहीं। गुजरात में इस बार बीजेपी को 52.5%, कांग्रेस को लगभग 27% और आम आदमी पार्टी को लगभग 13% वोट मिले हैं। और खास बात आप ये भी जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को कितने वोट मिले हैं, तो आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी जो इस बार चुनाव लड़ रही थी उसे सिर्फ 0.3% वोट मिले हैं, यानी 0.5% वोट भी ओवैसी को नहीं मिला है। अब यहां बड़ी बात क्या है, ओवैसी टीवी पर तो रोज आते हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में किसी भी न्यूज चैनल पर कोई भी डिबेट बिना ओवैसी के पूरा नहीं होता और हमने ओवैसी को मुसलमानों का और मुस्लिम वोटर्स का सबसे बड़ा ठेकेदार मान लिया है। लेकिन गुजरात में मुसलमान वोट जो है वो है 10%, लेकिन ओवैसी का जो वोट शेयर है वो 0.3% है। यानी टीवी पर आने की वजह से, मीडिया में छाए रहने की वजह से, सोशल मीडिया में छाए रहने की वजह से हो सकता है कि आप ओवैसी को ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उनको ओवर हाइप कर रहे हैं। इसे और सरल रूप से अगर हम कहें तो गुजरात में इस बार बीजेपी को 1,67,00,000 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 86,00,000 वोट मिले हैं, आम आदमी पार्टी को 41,00,000 वोट मिले हैं और ओवैसी की पार्टी को सिर्फ 93,000 वोट मिले हैं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल 41,00,000 वोट तो भी गुजरात में ले गए हैं। गुजरात में अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं और वो पार्टी है कांग्रेस। लेकिन आज उसी कांग्रेस का वोट शेयर गुजरात में सिर्फ 27% रह गया। बड़ी बात यह है कि 27 वर्षों से गुजरात में लगातार चुनाव जीत रही बीजेपी ने पहली बार विधानसभा के चुनाव में 50% से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। हालांकि किसी चुनाव में सबसे ज्यादा वोट शेयर का रिकॉर्ड अब भी कांग्रेस के नाम है। 1985 में कांग्रेस को गुजरात में 55% वोट मिले थे।
कुल मिलाकर कहें तो पिछली बार की तुलना में इस बार दो ही पार्टियों का वोट शेयर बढ़ा है। पहली पार्टी है बीजेपी, 2017 में 1,47,00,000 वोट मिले थे, इस बार 1,67,00,000 वोट मिले हैं, यानी 20,00,000 वोट ज्यादा मिले हैं। दूसरी है आम आदमी पार्टी, जिसे 2017 में सिर्फ 29,000 वोट मिले थे, फिर से सुन लीजिए, 29,000 वोट मिले थे पिछली बार, इस बार 41,00,000 वोट मिले हैं, और ये कम वोट नहीं होते। बड़ी बात यह है कि जितना वोट शेयर कांग्रेस का कम हुआ है, लगभग उतना ही वोट शेयर आम आदमी पार्टी का बढ़ गया है। कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले 14% कम वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर इस बार लगभग 13% है। इस वोट शेयर के साथ आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी बनने की चुनाव आयोग की शर्त को पूरा कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय पार्टियां बनने के तीन तरीके होते हैं, तीन शर्तें हैं। पहली शर्त है उस पार्टी के पास कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट होने चाहिए। दूसरी शर्त होती है अगर वो पार्टी लोकसभा की 2% सीटें जीत जाती है। भारत में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसका 2% होता है 11 सीट। तीसरी शर्त है अगर उस पार्टी को कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाए, तो यह दर्जा तब मिलता है जब वो पार्टी विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीत लेती है। और आम आदमी पार्टी ने आज इनमें से 3 में से 2 शर्तों को पूरा कर लिया है। अब उसके पास दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में 6% से ज्यादा वोट है। दूसरा, वो इन राज्यों में स्टेट पार्टी भी बन गई है, हालांकि गुजरात में अभी इसका औपचारिक ऐलान अगले कुछ महीनों में ही होगा और हो सकता है कि तभी चुनाव आयोग आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दे। तो अब तैयार रहिए, अब केजरीवाल राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं, अब वो हर राज्य में हर बड़े मुद्दे पर, हर छोटे मुद्दे पर अपनी राय जरूर देंगे।